दस। अब दिख रहा है? सर। दिख रहा है ना? दिख रहा है। यस ठीक सर। है, इसको देखो, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड एएम जीएम और एचआर। ठीक है, तो सर वेटेड एएम जीएम एचएम क्या होता है, बारे में देखते हैं। सुनिए तो। हाँ बोलो। सर कल आपने वो जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था ना, वो हमें समझ में नहीं आया। कौन सा लास्ट क्वेश्चन था जी? वो सेमी पेरीमीटर वाला हमारा डाटा खत्म हो गया था, नहीं तो हम आपसे कल ही पूछते हैं। तो नोट्स भेजे थे, नोट्स में भी समझ में नहीं आया। सर नोट्स देख के हमें नहीं आया समझ। चलो ठीक है, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, तो उसके बीच में मैं जब म्यूट होऊंगा तो उस टाइम बता दूंगा। ठीक है, जी सर। ओके। तो चलिए देखिए, वेटेड एएम जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है। ठीक है, वेटेड वेटेड एएम एंड जीएम एचएम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो कि सपोज क्या, लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री एंड सो ऑन कॉमा ए एन आर एन पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स एन पॉजिटिव नंबर्स एंड 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 हेलो जी। ठीक है सर, ठीक है, क्लास में अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, थोड़ा सा आज टाइम लगेगा मेरा, थोड़ा लंबा है। मैं आपको फोन करूंगा फ्री होऊंगा तब जी। आज तो आज थोड़ा सा है, थोड़ा शेड्यूल लेट नाइट पे होंगे जी। एक एक्चुअली इन्वेस्टर से मुझे मिलना है आज। हाँ, वो एनआरए कॉलोनी में आए हुए हैं। कोई बात नहीं, पेमेंट का देख लेंगे ना, आप तो आराम से, वो कोई इशू नहीं है उसका, छोड़िए ना, गारंटी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप रखिए, आप वो निकालेंगे ही, पैसा जो होगा। अब चैलेंज है मेरे लिए, हाँ मेरे लिए चैलेंज है, हम किसी भी कीमत पे मेहनत करवाएंगे, करेंगे उसको, नहीं, मेरी कल बात हो गई है, उसको तो मैंने प्लान बता दिया, लीजिएगा एक दिन दिवाली के दिन ले जाइएगा बस। हाँ ठीक है, चलिए, तो मेरी क्लास है थोड़ा। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो देखो ये होता है वेटेड एएम का, क्या होता है देखो, कि सपोज हमारे पास एन नंबर्स है, सपोज मेरे पास एन नंबर्स है, ए वन ए टू ए थ्री एन आर एन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन आर करस्पॉन्डिंग वेट्स, यानी ए वन का वेट जो है डब्ल्यू वन है, ए टू का वेट जो है डब्ल्यू टू है, ठीक है, एंड आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ये जो वेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जो ए एम डिफाइन, वेटेड ए एम जो डिफाइन होता है, जिसको हम ए डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होता है, डब्ल्यू वन इंटू ए वन प्लस डब्ल्यू टू इंटू ए टू प्लस एंड सो ऑन डब्ल्यू एन इंटू ए एन। हाँ सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरा आवाज साफ नहीं आ रहा है, ये सर सुमन कैसा आ रहा है मेरा आवाज, सुमन का माइक ऑन सर। क्या बोली? क्या मेरा आवाज नहीं क्लियर आ रहा है क्या? हेलो,
क्लियर है? क्लियर नहीं है क्या? आवाज सर आ रहा है? आ रहा है, क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ भाई, आज हम लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं और सबसे अच्छा गैजेट से। ओके, तो देखो, let a1, a2, and a3 and so on, an are n positive numbers, and w1, w2, w3 and so on, wn are corresponding weights and are positive rational number. तो जो हमारा am जो define होता है, weighted am जो define होता है, वो क्या होता है? w1 into a1, ठीक है? w1 ये हो गया, और इसके corresponding जो हमारा, यानी a1 के corresponding जो weight a, w1 है, उसके साथ multiplication, plus a2 के साथ जो corresponding weight है, a2, w2. A3 के साथ corresponding weight like this and so on up to n terms तक, और upon में क्या जाता है, जितने भी weights है उन सारे weight का sum, ठीक है? इसी को यदि sigma notation में लिखे तो sigma notation में कैसे लिखेंगे भाई? AW is equal to sigma I is equal to 1 से लेके n तक, और यहाँ लिखेंगे WI into AI upon sigma डब्लू आई, और ये आई इक्वल टू वन से लेके एन तक लिखेंगे कि नहीं बताओ? है ना, सही है? यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया वेटेड एएम, ठीक है? अब देखो वेटेड जीएम क्या होगा। वेटेड सर, हाँ सर, वेट होता क्या है? देखो वेट एक नाम दिया गया है, वेट का कोई वो नहीं है, ठीक है? एक नाम दिया गया है कि इसके कोरस्पोंडिंग वेट ये है, और उसका एक डेफिनेशन ये है। अब देखो ये बेसिक है कुल मिला के। अब जेड ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना? ये एकदम ये डिफाइंड है, प्री डिफाइंड चीज है, ठीक है? ओके सर। तो देखो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को किससे डिनोट करते हैं? जी डब्ल्यू से। और इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? ए वन के पावर क्या हो जाता है? डब्ल्यू वन, ठीक है? इंटू ए टू के पावर क्या हो जाता है? डब्ल्यू टू। इंटू ए थ्री के पावर क्या हो जाता है? डब्ल्यू थ्री। एंड सो ऑन, ए एन के पावर क्या हो जाएगा? सिमिलरली डब्ल्यू एन, ठीक है? और ये इसके पावर में क्या हो जाता है? वन अपॉन डब्ल्यू वन, W1 plus W2 plus and so on Wn। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो जाएगा? वेटेड GM। इसी को यदि सिग्मा नोटेशन में लिखे तो सिग्मा नोटेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पाई आई इक्वल टू कहाँ से लिखे? 1 तक, और ये क्या हो जाएगा? n ai के पावर क्या हो जाएगा? Wi, ठीक है? और इनटू 1 बाय सिग्मा, यहाँ सिग्मा प्ले होगा क्योंकि सम है, I इक्वल टू वन से लेके n तक, और यहाँ क्या जाएगा? डब्ल्यू आई, है कि नहीं? बताओ तो इसको ऐसे लिखेंगे कि नहीं सिग्मा नोटेशन में, सिग्मा और पाई नोटेशन में? बताओ लिखेंगे? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वेटेड जीएम। ओके, अब वेटेड जीएम के बाद है वेटेड एचएम। तो वेटेड एचएम को कैसे डिफाइन करते हैं? वेटेड एच एम, ठीक है? एच डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेट का सम, सिंपल याद करो, वेटेड ए एम की तरह, अपॉन डब्ल्यू वन बाय ए वन प्लस डब्ल्यू टू बाय ए टू प्लस एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा लास्ट में? डब्ल्यू एन बाय ए एन। इसको क्या बोलेंगे? वेटेड एच एम। सिग्मा नोटेशन में लिखे इसको तो एच डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिग्मा I is equal to 1 से लेके n तक, W I upon sigma I equal to 1 से n तक, W I upon AI। ये आपका क्या हो गया? वेटेड एच एम। अब बताओ, देखो तीनों आ गया समझ में, याद कर लेना। अब मेन है इसका एप्लीकेशन, किसका एप्लीकेशन कैसे होगा, समझ में आ गया? ये वेटेड ए एम कैसे लिखेंगे, वेटेड जीएम कैसे लिखेंगे, और वेटेड एचएम कैसे लिखेंगे। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ू?
सर ये क्या जीएमए नहीं आ रहा समझ। अरे भाई इस क्वेश्चन कराएंगे ना तब समझ में आ जाएगा, ठीक है? जो ये डेफिनेशन है ये डेफिनेशन याद करके रखना, ठीक है? समझिए। ओके सर। हाँ ये जो डेफिनेशन मैं लिखूंगा इसको याद रखना। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, एप्लीकेशन करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये है क्या। ओके और हम जानते हैं जैसे कि ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम होता है, वैसे ही वेटेड ए एम इज ग्रेटर देन वेटेड जी एम इज ग्रेटर देन वेटेड एच एम, सेम जैसे उसमें होता था वैसे ही, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है? अब जो है इसमें इक्वलिटी, ठीक है, कि इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगा, ठीक है? तो जो इक्वलिटी होल्ड करेगा वो कहाँ करेगा, तो देखो दो पॉइंट देखो, इफ ऑल वेट्स आर, पहला पॉइंट है इफ ऑल वेट्स, ये प्योरली जे एडवांस का टॉपिक है, समझ गए सर? इक्वल दैट इज W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू Wn, देन यदि सारा वेट इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना? सोच के देखो कि यदि सारा वेट इक्वल हो जाएगा तो इधर से क्या कॉमन आ जाएगा, इधर से क्या कॉमन आ जाएगा W1, और नीचे में क्या हो जाएगा NW1 हो जाएगा कि नहीं? सारा वेट इक्वल हो जाएगा तो yes. ये डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा तो वेटेड ए एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन वेटेड ए एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल ए एम में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, है ना? हो जाएगा। सिमिलरली वेटेड जी एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी एम में। सिमिलरली वेटेड एच एम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एच एम में। समझ में आ गया सबको, ठीक है? तो एक तो ये बात याद रखना है, दूसरी बात वेटेड जीएम और वेटेड एचएम इक्वल नहीं हो सकते? वेटेड जीएम और वेटेड एचएम इक्वल कैसे होगा? वेटेड जीएम का अलग डेफिनेशन है, वेटेड एचएम का अलग डेफिनेशन है, वेटेड एएम का देखो ना ये डेफिनेशन है, जीएम का ये डेफिनेशन, एचएम का ये डेफिनेशन, जीएम का ऐसा डेफिनेशन है, ये दोनों का कैसे इक्वल होगा, ठीक है? इक्वलिटी एकदम होल्ड हो सकता है, जैसे ए एम जी एम एच एम में कब इक्वलिटी होल्ड होता था, जब इक्वल होता था, यही मैं लिख रहा हूँ, देखो फॉर इक्वलिटी टू होल्ड बिटवीन डब्लू वेटेड ए एम वेटेड जी एम एंड वेटेड एच एम ऑल नंबर्स should be equal. यदि सारे नंबर इक्वल होगा, याद करो एम जी एम में भी बोला था, और देखो कल मैंने बोला था आपको कि एम जी एम, एम इज ग्रेटर देन जी एम लगाते वक्त में इक्वलिटी होल्ड होना चाहिए, यदि इक्वलिटी होल्ड नहीं हुआ ना तो हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। लॉजिक समझ में आया था ना क्यों? जैसे ये देखो इस बात को याद रखना, ठीक है? भूलना मत, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, कि जैसे x स्क्वायर है और 9 बाई x स्क्वायर है, सपोज इसका मुझे मिनिमम वैल्यू पता लगाना है, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू पता लगाना है तो दोनों पॉजिटिव चीज है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ am इज ग्रेटर देन gm इज ग्रेटर देन x स्क्वायर इनटू 9 बाई x स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ, है ना? ऐसे लिख सकता हूँ, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर अपॉन 2 भी होगा और पावर में 1 बाई 2 होगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 9 बाई x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इज ग्रेटर देन 6, होगा कि नहीं? अरे होगा, यस सर, 3 होगा ना, 3 के पावर आप 9 के पावर आएगा, 6 आएगा। अब 6 आएगा तो सिंपल सी बात है कि इस पूरे वैल्यू का 6 वैल्यू होगा तब तो ये, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू हम 6 बोलेंगे, अब इस पूरे वैल्यू का 6 वैल्यू ही नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू 6 कैसे बोलेंगे? यदि ये वैल्यू 6 को अचीव ही नहीं करेगा तो मिनिमम वैल्यू 6 कैसे होगा, इम्पॉसिबल है। बहुत ऐसे क्वेश्चन होगा जब जेम एंड एडवांस में, मैं आपको रेंज में दिखाऊंगा ये चीजें, ठीक है? जब रेंज निकालेंगे ना तो हम रेंज में दिखाएंगे कि देखो यहाँ पे ये वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू तो 6 दे नहीं रहा है बट मिनिमम वैल्यू एम जी एम से 6 आ रहा है, तो इसको करने के लिए 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर इक्वल कर देंगे,
x स्क्वायर अपॉन 9 बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, x के पावर 4, x के पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा, बताओ है ना? अरे बताइए हाँ है ना? तो प्लस रूट 3 इसमें पुट करो तो यहाँ से क्या आएगा, 3 प्लस 9 अपॉन क्या आ जाएगा 3, 3 की जगह 9, तो देखो 6 आ रहा है कि नहीं, 6 आ रहा है कि x की वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पर इसकी वैल्यू क्या है 6 है। तो हम जरूर बोलेंगे यदि ये x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जिसके कारण ये 6 आ रहा है, तब तो हम बोलेंगे 6 मिनिमम वैल्यू। अब 6 आएगा ही नहीं, x का किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 6 आएगा ही नहीं, तो हम 6 को मिनिमम वैल्यू कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं कल समझाया था आपको और अभी भी फिर से मैं समझाता हूँ, जो कि याद रखना है AMGM लगाते वक्त, डायरेक्टली मत लगा देना, आंसर दिखेगा आप लेकिन गलत हो जाओगे। एटलीस्ट ये एडवांस वाले में तो पक्का कुछ किए हुआ है, इस तरह का एप्लीकेशन किया हुआ है ये एडवांस, समझ गए? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना। हाँ बोलिए सर, तो ऐसे सॉल्व करके फिर वो x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई तो नहीं होगा, मतलब वैसे आया कि x ग्रेटर, x की वैल्यू ग्रेटर देन और 8। यदि उसने बोल रखा है कि x की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकता है तब इमेजिनरी आएगा तो चलेगा, लेकिन x की वैल्यू यदि उसने बोला है कि रियल नंबर ही होना चाहिए तब नहीं होगा, तब हम बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस मेथड से नहीं बना सकते, ठीक है। जनरली जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, देखो फंक्शन जब पढ़ेंगे तो फंक्शन कौन से फंक्शन हम पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन यानी रियल फंक्शन। रियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसका डोमेन भी रियल नंबर और उसका कोडोमेन भी रियल नंबर, कोडोमेन रियल नंबर तो रेंज भी रियल नंबर आएगा, रियल नंबर की बात होती है। तो हमेशा जब भी, क्योंकि मेजोरिटी परसेंट एम ग्रेटर देन जी एम आपको बहुत सारा जगह यूज होगा, तो जब भी रियल नंबर तो ऑब्वियसली बात है एक्स की वैल्यू रियल नंबर ही आना चाहिए। यदि एक्स की वैल्यू रियल नंबर पे नहीं दे रहा है वो वैल्यू सिक्स, जैसे सिक्स दे रहा था इसमें, तो हम बताएंगे कि भाई मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इस मेथड से, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल होगा तभी तो होगा सिक्स, भाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स बोला, तो यदि इक्वलिटी होल्ड होगा तभी तो हम बोलेंगे छः होगा वैल्यू। अब मान के चलो ये होगा ही नहीं तो मैं इसका बोलूंगा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, इसका मिनिमम वैल्यू 6 बोलोगे क्या? नहीं सर, नहीं बोल सकते यार, तो मैंने स्टार्टिंग के क्लास में ही बोला था कि 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर बताओ, तो 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इससे जस्ट ग्रेटर नंबर 6 है तो 6 में क्या है, तो हम मिनिमम 6 नहीं बोल सकते कि 6 ही होगा, इक्वलिटी होल्ड होगा तब हम बोल सकते 6 पक्का है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हाँ यहाँ पर कि फोर इक्वलिटी टू होल्ड बिटवीन वेटेड एएम, वेटेड जीएम एंड वेटेड एचएम, ऑल नंबर शुड बी इक्वल सेम, जो स्टोरी हम लोग एएम जीएम एचएम में कर रहे थे, दैट इज क्या होना चाहिए, ए वन बराबर ए टू बराबर ए थ्री एंड सो ऑन इज इक्वल टू ए एन। यदि ये इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, ये तीनों इक्वल हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू ए एम बराबर डब्ल्यू जी एम बराबर डब्ल्यू एच एम हो जाएगा, डब्ल्यू एच एम हो जाएगा, याद करो जैसे हमने सर। हाँ बोलिए सर, इसमें वो कंडीशन जरूरी है, मतलब वो इक्वलिटी होल्ड करने के लिए जरूरी है कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री वो सारे इक्वल हो, सारे नंबर्स इक्वल होना चाहिए, समझ गए, दुख को इक्वल यानी डब्ल्यू इक्वल हो ना हो डजंट मैटर, ठीक है ना, नंबर्स जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। वेट जो है तो सर डब्ल्यू कंडीशन नहीं होगी ना, हाँ वेट इक्वल नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है, बट उसके जो ए वन ए टू ए थ्री है जो नंबर्स है वो इक्वल होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा देखो पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे होता है, एक क्वेश्चन लेके मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन है लेट ए कॉमा, मेन एप्लीकेशन है बी बिलोंग्स टू रियल है पॉजिटिव रियल, एंड क्वेश्चन में गिवन है, याद को इस तरह क्वेश्चन आपने देखी हो, 2a plus 3b plus c equal to 10 है, तो बोले then find maximum value of a के पावर 4 into b के पावर 3 into 0। देखिए क्या इस तरह का क्वेश्चन इनकाउंटर हुआ कभी, समझ गए। अब इसमें जो है वेटेड एम जी एम का ही कॉन्सेप्ट
ठीक है, अब लगाओ तो दिमाग इसमें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। हेलो। अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ जी आ गया। सर आप बता दो। ठीक है, देखिए देखो इसको कैसे इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2a + 2b + c = 10, और इधर क्या लिखा हुआ है, a^4 × b^3 × c^3। इन दोनों को ध्यान में रख के देखो तो इसका मतलब है कि वेटेड am इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेटेड gm, ये वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा मुझे। अब देखो वेटेड एएम में क्या होता था, याद करो, वेटेड एएम में होता था हमारा कि W1 × A1, W2 × A2, W2 × A3 अपॉन W1 + W2 + W3। मतलब वेटेड एएम में लिखूं तो W1 × A1 + W2 × A2 + W3 × A3 अपॉन में क्या हो जाएगा जी, W1 + W2 + W3 है कि नहीं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, जो
ये होता था, नंबर होता था, वो क्या होता था, A1 के पावर W1 इंटू A2 के पावर W2 इंटू A3 के पावर W3, ये होता था कि नहीं बताओ, हाँ या ना? ये AM इज ग्रेटर देन GM होगा, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एक तो 2A प्लस 3B प्लस C है, और मुझे जो वैल्यू निकालना है सर, हाँ वैल्यू निकालना, पावर पावर, अच्छा पावर में सॉरी 1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3, हाँ ये भी होगा, मैं भूल गया था, ओके ये होगा। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, एक तो 2A प्लस 3B प्लस C है, और दूसरा है मेरे पास A के पावर 4 इंटू बी के पावर 3 इंटू सी के पावर 3। इसका मतलब जो वेट जो लेना पड़ेगा, W1 की वैल्यू जो लेना पड़ेगा वो 4 लेना पड़ेगा, W2 की वैल्यू जो लेना पड़ेगा वो कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, और W3 की जो वैल्यू वो कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, तभी तो ये पावर में इतना आएगा, है कि नहीं? ठीक है, अब A1, A2 और A3 की वैल्यू मुझे डिसाइड करना है। अब देखो W1 इंटू A1, A1 बराबर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A1 बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा, A1 बराबर मैं क्या लूँ ताकि 2A बने, तो A1 बराबर मैं क्या लूँ ताकि ये 2A बने, ठीक है, क्योंकि वेट इसका क्या है 4 है, तो 4 इंटू क्या लिखना पड़ेगा ताकि 2A बने, तो क्या A by 2, मतलब A1 की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा A by 2, समझ में आया सब कुछ, नहीं आया ये बात समझ में आया, A2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा क्या बताना, A2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, A2 की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा B, क्योंकि B है और 3 है तो 3 into B हो जाएगा, वैसे A3 की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा 3/3, समझ में आया सब, ये वैल्यू इसमें पुट करता हूँ मैं, अब ये वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, ये वैल्यू पुट करने W1 into A1, ओके, तो W1 कितना है मेरे पास 4, 4 into A1, A by 2, प्लस W2 into A2, तो W2 कितना है 3, और A2 कितना है B, तो 3 into B, प्लस W3, W3 कितना है 3, तो 3 into C by 3, upon W1 plus W2 plus W3, ये कितना आ जाएगा 4 plus 3 plus 3, This is greater than equal to A1 के पावर W1, ठीक है, तो A1 के पावर W1 हो जाएगा, तो A by 2 के पावर कितना हो जाएगा जी, A by 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, B, B के पावर कितना हो जाएगा, B के पावर कितना हो जाएगा 3, C by 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, K होल पावर कितना हो जाएगा 1/10, क्यों 4 3 7 3 10, बताओ तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, A, बताओ समझ में आया यहाँ तक, ये जो लिखा हुआ है 2A प्लस, ये कुछ नहीं लिखा, 2A प्लस 3B प्लस क्या लिखा हुआ है C, और इसकी वैल्यू कितना गिवन था क्वेश्चन में 10 था कि नहीं, 10, तो इसका मतलब इस पूरे के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ 10, ये 10 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा A के पावर 4 इंटू B के पावर 3 C के पावर 3 इंटू 1/2 के पावर 4 इंटू 1/3 के पावर 3, और क्योंकि 1/10 के यानी अब 10 पावर यहां लगाएंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए इसको तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे 1 ही लिख देंगे, ओके तो यहां क्या हो जाएगा आपका, तो यहां क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको फाइनली क्या लिख सकता हूँ, देखो तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ A के पावर 4 इंटू B के पावर 3 इंटू C के पावर 3 इंटू 1/2 के पावर 4 इंटू 1/3 के पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना जी, बताओ यहाँ तक समझ में आएगा, yes, sir. अब ये मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, अब देख लो आप, यहाँ से हो जाएगा आपका A के पावर 4 इंटू B के पावर 3 इंटू C के पावर 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू यानी 16 इंटू 27, तो इसका मतलब इसी का तो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसी का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, कितना आ गया, ये आ गया कि नहीं, अब 16 इंटू 27 जितना भी आया,
लेकिन इसको वेरीफाई करने से पहले, इसको बोलने से पहले, क्या इसकी वैल्यू इतने के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं? ये मैंने बताया था, हर बार बताता हूँ कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करने पे इस पूरे के वैल्यू भाई इतना के बराबर होगा तभी तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो ये चेक कर लेंगे होगा कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए क्या होगा कि जो तीनों नंबर हमने लिया था वो तीनों नंबर क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीनों नंबर इक्वल होगा तो तीनों नंबर क्या है मेरे पास, तीनों नंबर क्या था जी, ये देखो ए बाय टू, बी और सी बाय थ्री, ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बाय टू इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी बाय थ्री, और ये किसके इक्वल होगा, ये तीनों नंबर, ये तीनों नंबर किसके इक्वल होगा, सोच के बताओ। ये तीनों नंबर, ये जो हमने, ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा जीएम है, ठीक है। और तीनों नंबर इक्वल होता है तो क्या होता है, एम बराबर जीएम बराबर एचएम हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? और ये तीनों नंबर जो इक्वल हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम बराबर जीएम बराबर एचएम के बराबर हो जाएगा, जो कि 10/10 कितना है, 1 है। यहां से ए की वैल्यू कितना आ गया 2, बी की वैल्यू कितना आ गया 1, और सी की वैल्यू कितना आ गया 3। अब ए इसमें इसकी वैल्यू पुट करके देखो तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3, ये 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसीलिए ये वैल्यू सही होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इतना होगा। समझ में आया कि नहीं, कैसे क्वेश्चन पूछता है, समझ में आ गया सबको? यस सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, वो स्टार्टिंग में कैसे डिसाइड किया वो बता दो। अरे वो तो सिंपल, हमारे को गिवन क्या था, 2a + 3b + c, ये गिवन है। इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले वेट, हमने इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया 4, 3, 3, क्योंकि पावर लेना है तो मुझे 4, 3, 3 डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब फिर मुझे ए बी सी डिसाइड करना है, तो ए बी सी क्योंकि ये गिवन था तो इसके अकॉर्डिंग हमने ए बी सी डिसाइड किया, वेट और ए बी सी, क्योंकि वेट और ए वन मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a आना चाहिए, वेट और ए टू मल्टीप्लाई होगा तो 3b आना चाहिए, वेट और ए थ्री मल्टीप्लाई होगा तो सी आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ए वन को इतना लिया, ए टू को इतना लिया, बी ए थ्री को इतना लिया। समझ गई? हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने 1, ये वाला बोल रहे 1? यस सर। भाई देखो, यदि तीनों नंबर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी जो है तीनों नंबर इक्वल हो जाता है, तो ये तीनों नंबर इक्वल हो जाएगा तो ये तीनों नंबर एक्चुअल में किसके बराबर हो जाएगा, सोच के बताओ, ये तीनों नंबर इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, AMGM के बराबर हो जाएगा। तो AM जो हमने ये जो निकला था, ये जो निकाला थे, ये इसकी वैल्यू क्या है, ये यही था मेरा AM, यही था ना मेरा AM, अरे वेटेड AM यही था ना। yes, sir. इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 निकाला कि नहीं यहाँ से? yes, sir. समझ गए? okay, sir. okay, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन, देखो आपको बहुत जगह इस तरह का क्वेश्चन एनकाउंटर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जब भी इनइक्वालिटी आपको प्रूव करना होगा या बताना होगा तो इस तरह के क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। जब भी इस तरह का सम गिवन हो, देखो सम गिवन हो और इस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, प्रोडक्ट गिवन हो सम का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, सम गिवन हो और 1/4 में वैल्यू पूछे क्या होगा, प्रोडक्ट गिवन हो 1/4 में वैल्यू पूछे क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट किसका, इन सारे क्वेश्चन में किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वेटेड AMGM का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ये आपको क्वेश्चन करते वक्त में ध्यान रखना, समझ गए? ठीक है, तो ये था आपका वेटेड AMGM HM का कॉन्सेप्ट, और इसका कैसे एप्लीकेशन होता है मैंने एक क्वेश्चन करके आपको दिखाया। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है, इसको बोलते हैं चौची इनइक्वालिटीज। अब जो तुम, ठीक है, CAUCHY चौची, एक इनइक्वालिटी वाला चैप्टर जो है ना, टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आपको हर किसी चैप्टर में बेसिक इनइक्वालिटी तो मैं बताया हूँ, 5-6 चैप्टर में ये इनइक्वालिटी कंप्लीट होता है। तो देखो इसमें क्या बोलता है, जैसे मैंने वेटेड AMGM लिखा था वैसे ही इसमें क्या बोलता है कि लेट ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन एंड बी वन कॉमा बी टू कॉमा बी थ्री एंड सो ऑन बी एन आर
two sets of real numbers, then inequality जो बोलता है a1 का square plus b1 का square c1 का square plus and so on, sorry a1 a2 लिया हुआ है, a1 square plus a2 square plus a3 square and so on plus n का square into b1 का square plus b2 का square plus b and so on plus bn का square is greater than equal to a1 b1 plus a2 b2 plus and so on plus an का whole square. यही है हमारा क्या चौथी का जो कि रट्टा मार के रखना, प्रूफ कैसे है जरूरत नहीं है जानने की. ठीक है, समझ में आ गया ये चौथी का इनइक्वालिटी. चौथी बोल लो, कौची बोल लो, जो बोलना है. समझ में आ गया? हेलो. यस सर. और ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी, इसका बहुत एप्लीकेशन होता है. हाँ, इसमें एक और पॉइंट याद रखना क्या कि फॉर इक्वलिटी, फिलहाल ये याद रखना, इसका प्रूफ के पीछे भी नहीं भागेंगे. ठीक है, टू होल सिलेबस खत्म करना है क्योंकि सबका प्रूफ बताने में बहुत टाइम चला जाएगा. फॉर इक्वलिटी टू होल्ड, ठीक है, द रेशियो रेशियो ऑफ क्रॉस्पॉन्डिंग नंबर्स should be equal. कि जो उसका रेशियो है ना वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. मतलब corresponding number ratio मतलब क्या हुआ, a1 upon b1, a2 upon b2, to a3 upon b3, ये सारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, an upon bn, ये सारे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. यदि ये इक्वल होगा तो इक्वलिटी होल्ड करेगा. ठीक है, फिलहाल याद रखना प्रूफ के पीछे. अब देखो ये इक्वलिटी कहाँ यूज होगा, जब भी आपको ना दिखे कि सम का स्क्वायर है और ये दो नंबर के प्रोडक्ट का स्क्वायर है. तुम नोटिस करके देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट है, सबका सम है, फिर स्क्वायर है. ये देखो, पहले नंबर का स्क्वायर है फिर उसका सम है, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर है फिर उसका सम है. इस तरह का कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आप समझ जाना कि जो क्वेश्चन है ना वो कौची क्वेश्चन का क्वेश्चन है. जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग टू रियल नंबर एंड 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 20, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्लस 4y² प्लस z². ओके, अब देखो तुम नोटिस करके देखो इस क्वेश्चन को. यहाँ देखो तो तुम दो दो टर्म का प्रोडक्ट गिवन है, 1 × y गिवन है, 3 × z गिवन है, और उसका जो स्क्वायर है, ठीक है, उसका क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको ये. इसमें वेटेड AMGM भी लग सकता है, ट्राई करके देखना, बट कौची से तो होगा ही क्वेश्चन. चलो करके बताओ तो इसको. Thank you.
सर 1653 क्या है 16 सबका कि मुझे बताना जल्दी बताओ कृषु थोड़ा पानी दे जाना सर आप बता दीजिए चलो मैं मुझे बताना है ठीक देखिए yes, देखिए जो कॉची इक्वेशन होता है हमें पता है कॉची इक्वेशन क्या होता है अभी मैंने लिखा है तो कॉची इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे इसको डिसाइड करना है मतलब देखो ये जो है हमारा दो का प्रोडक्ट का सम है और ये देखो इसका स्क्वायर तो हमें ये डिसाइड करना है इसमें कि a1 a2 a3 देखो हमारा क्या होता था कॉची इक्वेशन कि a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस तो तुम नोटिस करके देखो इसमें a1 का स्क्वायर जब मैं लूंगा ठीक है या इसमें लूंगा जिसमें भी लूंगा या तो इधर लेना पड़ेगा या तो इधर लेना पड़ेगा ठीक है तो तुम सोच कर देखो किधर लेना पड़ेगा ठीक है तो देखो इधर मुझे यदि इधर मुझे लेना है 2x plus y plus 3z तो इधर 2x plus y plus 3z बनाना आसान होगा तो इधर मैं क्या करता हूँ 2x plus 3y plus 3z बनाता हूँ तो 2x plus 3y sorry 2x plus y plus 3z तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ greater than equal to और यहाँ लिखता हूँ 2 into x plus यहाँ मेरा क्या था y और यहाँ मेरा क्या था z ओके और इधर मेरा क्या था कि इधर मुझे क्या लाना है एक्स स्क्वायर तो इधर मुझे एक्स स्क्वायर लाना है प्लस इधर मुझे वाई स्क्वायर लाना है प्लस ये इधर मैं क्या करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर ले लेता हूँ और इनटू क्योंकि दो नंबर होता था याद करो दो नंबर होता था अब मुझे देखो ध्यान से कि यहाँ पर मुझे क्या लाना है 2x अब फिर क्या लाना है अब मैं यदि यहाँ 2y लाया हूँ और यहाँ मुझे 2x लाना है तो मुझे यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा यानी इसको मल्टीप्लाई मुझे किससे करना पड़ेगा चार से करना पड़ेगा तभी आएगा इसलिए क्योंकि चार से करना पड़ेगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे 2a² अब प्लस इधर मुझे इधर क्या हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ 2x है तो इस 2 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब तो क्योंकि देखो ना होता क्या था ये a1 into b1 होता था तो a1 को यदि मैंने x लिया तो b1 को मुझे क्या लेना पड़ेगा a1 b1 तो 2 लेना पड़ेगा तो ये 2x अब देखो ये 2y है और ये मेरा y है ठीक है तो मुझे ये यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा ताकि y है यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा हाफ का स्क्वायर प्लस तो यहाँ क्या हो जाएगा हाफ प्लस c इधर मुझे क्या लेना है z का स्क्वायर तो z का स्क्वायर लेना है और मेरे को इधर क्या लाना है 3z इसका मतलब इधर तो मैंने z लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा मुझे 3 का स्क्वायर बताओ तो ये समझ में आया क्या और फिर क्या हो जाएगा इसका सर एक बार और बता ठीक है एक बार और समझाओ उसके बाद में फिर देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इनटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर है कि नहीं इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ क्या होता है a1 b2 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 सॉरी यहाँ गलत लिख दिया था मैंने a1 फिर मैं यहाँ a1 a2 a3 लिखो इधर लिखो आप b1 b2 b3 होता था कि नहीं ओके
ऐसे होता ठीक है, अब ऐसे होता था। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को, इसको और इसको, इसको तो ऑब्वियस सी बात है इधर लाना पड़ेगा और इसको मुझे इधर लाना पड़ेगा, तभी तो ये बन सकता है कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या डिसाइड करना है, ए वन बी वन। तो तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ टू इंटू एक्स है, तो ए वन को मैं टू ले सकता हूँ, बी वन को क्या ले सकता हूँ एक्स, प्लस ए टू बी टू है। तो चलो इस यहाँ पर मैं सिर्फ वाई लिख देता हूँ और ए टू की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा। अब प्लस ए थ्री बी थ्री, ए थ्री बी थ्री है तो यहाँ तो थ्री इंटू जेड दिख ही रहा है का स्क्वायर। अब देखो ए वन, अब ए वन ए टू स्क्वायर मुझे ऐसे तो ये वाई की वैल्यू डायरेक्ट क्यों नहीं ली, क्या बोले, ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इसको भी देखना है, ठीक है ना। अब इसको और इसको देख करके मैं इसके कोफिशिएंट को डिसाइड करूंगा। यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर लाना है तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यदि मेरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो इसके ब्रैकेट में मुझे यहाँ टू एक्स है, ए की ए वन की वैल्यू कितना है, ए वन की वैल्यू मैंने एक्स लिया, तो बी वन की वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा टू, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा टू का स्क्वायर, तभी तो होगा ये, ठीक है। प्लस अब इधर क्या है, फोर वाई स्क्वायर, यदि मुझे यहाँ फोर वाई स्क्वायर लाना है तो मुझे यहाँ किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, टू वाई का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि मैं यहाँ टू वाई लूंगा, ओके टू वाई लूंगा, तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा ताकि ये वाई ही रहे, क्योंकि मेरे को यहाँ क्या लाना है वाई, इधर मैं क्या लू ताकि यहाँ वाई ही ले, यहाँ वन बाई टू लेना पड़ेगा, तब तो ये वाई ही रहेगा, समझ रहे हो। अरे समझ में आया कि नहीं यार, हेलो, यानी इस नहीं आया सर। देखो यहाँ पर कितना है, वन बाई टू तो बी टू में लेना चाहिए ना। अरे सुनो, यहाँ पर मुझे कितना लाना है, टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर कितना लाना है, फोर वाई स्क्वायर लाना है ना, यहाँ पर कितना लाना है, फोर वाई स्क्वायर। तो फोर वाई स्क्वायर लाने के लिए इस बात की गारंटी है मुझे यहाँ टू वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, तभी तो फोर वाई स्क्वायर आएगा, सही बात है। अब मैंने यदि यहाँ टू वाई स्क्वायर, टू वाई ले लिया, इसकी वैल्यू मैंने टू टू वाई ले लिया, मतलब ए टू की वैल्यू मैंने कितना ले लिया टू वाई, इसकी वैल्यू यदि मैंने टू वाई ले लिया, तो मुझे अब ये वैल्यू मेरे को, ये ए टू की यानी एक की वैल्यू टू वाई हो गया, तो मुझे अगला जब वाला वैल्यू है कितना लेना पड़ेगा ताकि ये वाई है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाफ ही लेना पड़ेगा ना, हाँ। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से हाफ ले लिया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले लिया, हाफ ले लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन बाय टू का होल स्क्वायर। और अगला क्या लाना है मुझे, जेड स्क्वायर, तो अगला मुझे जेड स्क्वायर, तो यहाँ जेड स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, थ्री का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो समझ में आया सर। हाँ तो y आया ना, अच्छा यहाँ 2y लेना पड़ेगा, सॉरी क्योंकि ये 2y ले रखे हैं ना, दूसरा वो लिखना भूल गया था। अरे ये क्या लिखा हूँ, ये 2y लिखा हूँ, तो a1 की वैल्यू 2y है और a2 की b2 की वैल्यू क्या है, 1 by 2, तब तो ये कैंसिल होता है, यहाँ y आ रहा है और ये y आएगा तो ये यहाँ y आएगा, ठीक है। बताओ समझ में आया कि, फिर से एक्सप्लेन करूं, सबको आगे समझ में आया, तो मैं स्पीड में समझाता हूँ, तो हो सकता है किसी को ना आए, ठीक है ना, तो प्लीज बता देना, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब देखो क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 4y, ये सिंपल लॉजिक है, अभी तो मान लो वो क्या जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 9 इज ग्रेटर देन, ये कितना आ जाएगा जी, 4x प्लस 5 प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है और इसी की वैल्यू मुझे पूछ रहा है, ये पॉजिटिव चीज है, ये डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितना है जी, 20, तो 20 का स्क्वायर, BC है ना, हाँ, तो 20 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 प्लस 4 प्लस, यही इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू के लिए पता लगाना पड़ेगा कि इक्वलिटी होल्ड करता है कि नहीं, तो इक्वलिटी होल्ड करा के देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया सबको। सर ऊपर 2x लिखना, क्या बोली आपने, 4x लिख दिया ना, वहां 2x आएगा, अच्छा सॉरी, हाँ, और यहाँ 4y स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इक्वलिटी होल्ड करा के देख लेना, इक्वलिटी में मैंने क्या बोला था कि a1 by b1 होना चाहिए, a2 by b2 होना चाहिए, a3 by b3 होना चाहिए, और इक्वलिटी
हम करा के देख लेंगे कि ये क्या जगह x by 2 equal to 2y by half equal to z by 3 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको तुमने कुछ लैम्डा सपोज कर लिया, लैम्डा सपोज कर लिया तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, y बराबर कितना हो जाएगा जी लैम्डा बाय 4 और z बराबर क्या आ जाएगा 3 लैम्डा, ठीक है। अब देखो कि लैम्डा की वैल्यू निकालना पड़ेगा तो x plus y plus z, तो हमारे को गिवन है क्या 2x plus y plus z की वैल्यू गिवन है, तो इसमें पुट करके आप क्या करो लैम्डा निकाल दो, तो लैम्डा निकालते ही x y z की वैल्यू पता लग जाएगा। अब x y z की वैल्यू यहां टक करके देखो इक्वल आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ हां या ना बताओ, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? तो इसका एप्लीकेशन, इस थ्योरी का एप्लीकेशन, कॉची इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन कैसे होगा समझ में आ गया बताओ? आ गया? यस सर। क्लियर है सब लोग? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़े? यस यस यस। ओके, अब देखो नेक्स्ट और लास्ट, मतलब ये सीक्वेंस सीरीज का लास्ट टॉपिक है छोटा सा। ये सारे थोड़ा सा जे एडवांस टाइप का कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा नहीं कि जे मेन में नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो कोई भी मतलब जनरली ओलंपियाड वगैरह में इसका ज्यादा एप्लीकेशन होता है, बट आपको ही पता है कि आपको यदि 500 के अंदर रैंक लाना है ना तो ओलंपियाड लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तभी आपका 500 के अंदर रैंक मतलब मैथमेटिक्स में एटलीस्ट अच्छा मार्क्स भी है, तो मैथमेटिक्स में 50% से ज्यादा मार्क्स लाना कठिन काम होता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि लेट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 एंड सो ऑन कॉमा an आर n पॉजिटिव नंबर्स, n पॉजिटिव नंबर्स एंड एंड m belongs to real number, then we define, ठीक है, जो इसका am है, a को क्या किया, a को लिखा मैंने a1 के पावर m प्लस a2 के पावर m प्लस a3 के पावर m प्लस and so on प्लस an के पावर m upon, ठीक है, n। ये क्या हो गया एक्चुअल में am of mth power of numbers, हुआ कि नहीं हुआ देख लो। ओके, अब b मैंने एक डिफाइन किया और उसको मैंने क्या लिखा a1 plus a2 plus a3 plus and so on plus an के पावर an upon n up power m, ओके, ये मैंने डिफाइन किया और ये किसके बराबर हो गया mth पावर ऑफ am ऑफ नंबर्स, है कि नहीं? ये मैंने एक a और b डिफाइन किया, ठीक है ना, a1 a2 कोई n पॉजिटिव नंबर्स है और m बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और एक a मैंने डिफाइन किया जो कि पहले हमने क्या किया सारे नंबर के mth पावर क्रिएट कर दिया और फिर सबको सम कर दिया अपॉन n कर दिया, और फिर दूसरा मैंने क्या किया सभी को ऐड कर दिया अपॉन एन करके फिर पावर एम कर दिया, ठीक है। तो इस केस में केस वन क्या हो जाएगा, इफ एम इज इक्वल टू जीरो और वन, एम इक्वल टू जीरो और वन या ऑल नंबर्स आर इक्वल, मतलब m की वैल्यू या तो जीरो हो या वन हो या सारे नंबर इक्वल हो, यानी a1 a2 a3 an सारे इक्वल हो, उस केस में देन इस केस में a बराबर क्या हो जाएगा हमेशा b हो जाएगा, याद रखिएगा। केस टू क्यों कैसे अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, टाइम मतलब कोई मतलब नहीं हो जानने का, इसका एप्लीकेशन हमें करना है तो ये हम तरह से थ्योरी याद रखना। m बिलोंग्स टू, यदि 0 से 1 के बीच में m होगा देन a हमेशा लेस देन इक्वल टू b होगा, और इक्वलिटी होल्ड कब होगा, इक्वलिटी होल्ड
इक्वलिटी होल्ड इफ, ठीक है, इक्वलिटी कब होल्ड होगा, जब नंबर्स आर इक्वल होगा, ओके, एंड इज थ्री, ठीक है, इफ एम बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो से वन, कि यदि जीरो से वन के बीच में करे, ठीक है, जीरो और वन पर तो यहां पर है और जीरो वन के बीच में यहां पर है, और जीरो से वन के बीच में करेगा तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसमें भी इक्वलिटी होल्ड कब करेगा, जब नंबर्स क्या हो, इक्वल हो। समझ में आइए, ये क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आए सबको? फर्स्ट केस बता दीजिए, फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला, फर्स्ट केस में मैंने ये बोला कि यदि एम बराबर जीरो, यानी पावर जो इसका जनरेट होगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ये जो ए वन के पावर एम जो है, एम की वैल्यू जीरो है या वन है, ठीक है, या सारे नंबर इक्वल, तो उस केस में जो ए और बी की जो वैल्यू आएगी वो दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। सेकेंड केस में मैंने क्या बताया कि एम की वैल्यू यदि जीरो और वन के बीच में रहेगा, ठीक है, एम की वैल्यू जो है जीरो और वन के बीच में रहेगा, तो जो ए और बी में रिलेशन होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी के बराबर होगा। इक्वलिटी कब होल्ड होगा, जब सारे नंबर इक्वल होगा। सिमिलरली रिमेनिंग जितने भी रियल नंबर है उसमें क्या होगा, हमेशा ए ग्रेटर देन बी होगा। इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब नंबर्स इक्वल हो। ये मैंने ये तीन केस बताए, ठीक है, आई होप ये केस क्या कहना चाह रहा है समझ में आ गया। अब इसका मेन एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखो जैसे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन को ट्राई करके देते हैं कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू फोर है, then find least value of 1 by under root a plus 1 by under root b where a comma b belongs to r plus। इसमें इसका एप्लीकेशन होगा, ट्राई करके देखो तो एक बार, आप लोग का दिमाग लग रहा है क्या? अरे किसी को कल वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था ना? अरे कौन बोल? यस सर, हमें नहीं आया था सर। टू एंड टू बाय, देखो ये क्वेश्चन था, देखो याद करो, ये था ना सर जी? हाँ बोलो। आंसर इसका है आपका, इसका आंसर है रूट टू, अंडर रूट टू है ना? यस सर। ठीक, और सभी लोग ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन कल मैंने क्या बोला था कि लेट पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन दैट, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एरिया इन टर्म्स ऑफ सेमी पेरिमीटर।
कि कोई पेरीमीटर गिवन है, मान लो कि कोई ऐसा पेरीमीटर है 10 यूनिट का, कोई पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल, तब 10 यूनिट के पेरीमीटर वाला कितने ट्रायंगल बन सकता है, जल्दी बताओ कितने ट्रायंगल बन सकता है? इनफाइनाइट। तो उन इनफाइनाइट ट्रायंगल में ऐसा कौन सा ट्रायंगल होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, वो पूछा है, समझ में आया? और वो मैक्सिमम एरिया इस पेरीमीटर के टर्म्स में कितना होगा? तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। तो हमने क्या किया, पेरीमीटर को सपोज कर लिया, ऑब्वियसली बात है पेरीमीटर कितना होता है, a plus b plus c by 2। अब हम जानते हैं कि am is greater than gm होता है, और हमें पता है कि एरिया क्या होता है, इसके बराबर होता है ट्रायंगल का एरिया। तो हमने तीन नंबर ले लिया, s minus a, s minus b और s minus c, तीन नंबर ले लिया, और इन तीन नंबर पे हमने am is greater than gm लगा दिया। तो s minus a plus s minus b plus s minus c upon 3 हो गया, is greater than equal to क्या हो जाएगा, s minus a s minus b into s minus c के पावर 1 by 3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, yes sir। अब मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर s upon s से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। देखो ये s और ये s, इस s upon s से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, s s कैंसिल हो गया, तो बात बराबर ही होगा। अब देखो ये जो पूरा है ये कितने के बराबर है, ये डेल के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रूट होता है, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, और ये एस 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 तीन बार हो जाएगा, तो ये थ्री एस हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बी प्लस सी बाय थ्री हो जाएगा, और ये क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर बाय एस के पावर वन बाय थ्री हो गया। अब थ्री एस में से एस गया तो एस बाय थ्री हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय एस के पावर वन बाय थ्री हो गया। यहाँ से मुझे डेल्टा स्क्वायर निकालना था, तो डेल्टा स्क्वायर के पावर दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर बाय एस इज लेस देन इक्वल टू एस बाय थ्री के पावर क्यूब। ये बाद वाला स्टेप नहीं आया। हाँ, कौन सा वाला, ये 3s minus a plus b plus c, इसके बाद आपने क्या बताया, 3s, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 2s के बराबर, याद करो ना, सेमी पेरीमीटर, a plus b plus c by 2 किसके बराबर होता है, s बराबर क्या होता है, a plus b plus c by 2, अरे होता है ना भाई, हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ी होगी ना, ए बी सी, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, अरे पढ़ी नहीं है तो याद रख लेना, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, टू एस, इसकी वैल्यू क्या गया, टू एस, तो थ्री एस में से टू एस गया तो क्या बचा, एस, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया, यस सर आ गया, तो ये हो गया आपका सर, आ गया सर, एस बाय थ्री, एस बाय थ्री आ गया, तो हो गया, यही यहीं से हो गया, समझ में आ गया, हो गया, यस सर, ठीक सर। हाँ जी सर, यहाँ पे एरिया में चार यूनिट से एम और जीएम में तीन ही क्यों दिए, क्योंकि मेरे को ये एरिया चाहिए, तो मेरे को एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला चाहिए एक्चुअल में, इसीलिए हमने तीन को लेकर के चला, तो ये आ गया। यदि आप एस इंटू एस माइनस चार के लेकर चलोगे तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, इसलिए चार को लेकर मत चलना, ठीक है। चलो देखो, क्या बोले, मतलब सर पता कैसे चलेगा कि चारों को लेना है या फिर तीन? दिमाग लगाने पे भाई, ये तो आपको हिंट मिलेगा ना, देखो ना यहाँ, इससे पता लगा मुझे कि ये क्या है मेरे पास, s इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो इससे मैंने हिंट लिया कि तीन लो, और इंटू एस तो मैं ला ही सकता हूँ एस अपॉन एस करके, तो चार लेने का क्या मतलब है, और चार लेके चलोगे ना तो आपका गलत आ जाएगा आंसर, चेक करके देखो, इक्वलिटी होल्ड ही नहीं होगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सेम जो मैंने अभी स्टोरी बताया उसके अकॉर्डिंग देखो, ए के पावर क्या है, माइनस हाफ प्लस बी के पावर माइनस हाफ, सी की वैल्यू आपको पता लगा, तो ए के पावर माइनस हाफ प्लस बी के पावर माइनस हाफ, तो ये कौन सा वाला केस होगा जी, कौन सा वाला केस होगा, थर्ड वाला होगा, केस थ्री होगा ना, अरे होगा ना केस थ्री, कोई बोल ही नहीं रहा है, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता था, ए के पावर एम प्लस बी के पावर एम अपॉन टू, केस थ्री होगा तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और आगे क्या लिखूंगा, ए प्लस बी बाय टू के पावर एम, है कि नहीं, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, फोर है, तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ, तो ए के पावर एम, ठीक है, तो ए के पावर कितना हो गया, माइनस हाफ प्लस बी के पावर कितना हो गया, माइनस हाफ अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी बाय, इसकी वैल्यू कितना है, गिवन था इसकी ए प्लस बी की वैल्यू फोर, ये फोर
अब और क्या आ जाएगा, टू के पावर कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, ए के पावर माइनस हाफ प्लस बी के पावर माइनस हाफ अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू, टू के पावर माइनस हाफ कितना हो जाएगा, वन बाई रूट टू। तो टू पॉजिटिव चीज ले जा सकता हूँ, तो ए के पावर माइनस हाफ बी के पावर माइनस हाफ इज इक्वल इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू बाई रूट टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट टू। हो गया, इक्वलिटी चेक कर लेना, होगा ही पक्का। समझ में आया क्या? यस सर। सब लोग को समझ में आ गया सर? हाँ सर। a प्लस बी बाई टू की पावर m कैसे आई? अरे ये तो फॉर्मूला में था ना जी, देखिए ना फॉर्मूला में क्या लिखा था मैंने, देखो फॉर्मूला में लिखा था b को क्या लिखा था, सभी का सम, b को देखो ध्यान, सभी का सम k पावर m लिखा था ना, तो दोनों का सम अपॉन टू अपॉन m होगा k पावर m। यस सर। समझ गए? ठीक है, हेलो, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो देखो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, इतना काफी है जे एडवांस लेवल तक के लिए। अब क्वेश्चंस अलग अलग टाइप का ढेर सारा लेना पड़ता है, आपका सीट सफिशिएंट है और प्रीवियस ईयर का जे एडवांस और जे मेन का पेपर सफिशिएंट है, इतना आपको कर लेना है, काम कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है सर, कल से बैच भी आपका अलग हो जाएगा, तो जो बैच अलग अलग होगा, ठीक है, तो कल से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे दोनों बैच, ठीक है ना? मैथ का भी अलग होगा? हाँ मैथ का भी अलग करते, क्यों मैथ का नहीं करें क्या, मैथ का भी कर देंगे बेटर है, ठीक है। पहले तो भाई जिन लोगों जिनका मैथ है स्ट्रांग है अच्छी बात है, जिनका नहीं है उसको तो भाई थोड़ा सा तो हमको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ लोग बोल देते हैं हाँ सर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और पता चले कुछ बच्चे छूट जाते हैं उसी के चक्कर में, ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा वीक है वो उस बैच में चला जाएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग टीच करूंगा, जिसका थोड़ा स्ट्रांग है तो मैं उसके अकॉर्डिंग टीच करूंगा, तो बेटर रहेगा। इसलिए मैंने बोला था कि पेपर में चीटिंग मत करना, यदि पेपर में आप चीटिंग करोगे तो बैठ जाओगे, और गलत बैच में बैठ जाओगे तो आप ही के साथ ना इंसाफी होगा, ठीक है ना। तो मैं क्लियर कर दिया था पहले ही कि पेपर के अकॉर्डिंग बैच डिवाइड होगा, मुझे पता लगेगा कि आपको इतना ही आता है तो मैं उसी अकॉर्ड से आपके आपको गाइड करूंगा कि इस तरह से चलो, इसीलिए पेपर में चीटिंग नहीं करना कभी, जीरो नंबर है मैथ्स में एक्सेप्टेबल। बस जिस दिन पेपर खत्म होगा ना, जिस दिन मैं पेपर दे के आओगे ना उस दिन जीरो नहीं आना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं। अभी तुम जीरो भी लेके आएगी ना तो मुझे कोई गिला सिखवा नहीं, बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर जीरो आया, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्योंकि जीरो मार्क्स आए, ठीक है। और जीरो से ही लोग 100 पे पहुंचता है, जिसको मैथ्स आता है आज के डेट में मान लो सभी बच्चों में, तो वो भी किसी दिन जीरो पर ही थी, उसने प्रैक्टिस की उसने स्टडी की इसीलिए आज वो यहाँ पर है, दैट्स इट, ठीक है। हेलो यस सर। चलो आज का सेशन यहीं एंड करता हूँ, ठीक है, और कल से जो है आपका डॉट क्लास लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक घंटा एवरी डे, तो टाइमिंग जो है ग्रुप पर हम डाल देंगे, ठीक है सर। हाँ सर, वो जो आपने अभी केस थ्री लिखवाया था ना उसमें तो m belongs to 0 to 1 था और इक्वलिटी होल्ड हो रही थी, मतलब 0 0 1 में इंक्लूड करना था, r माइनस है, देखो ध्यान से, ओके ठीक है। आपका डॉट क्लास भी कल से लगना स्टार्ट हो जाएगा एवरीडे, एक घंटे की टाइमिंग हम इवनिंग टाइम में ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में तो सारी क्लासेस होगा था, आपका इवनिंग टाइम में ही आएगा,